जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले कई वीडियो से मैं आपसे बात कर रहा था कि अमृत भारत ट्रेन का जो दूसरा रैक है वो भी यहां पर बहुत जल्दी निकलने वाला है। इसका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है आईसीएफ के अंदर, और अब दोस्तों फाइनली अमृत भारत ट्रेन का जो दूसरा रैक है ब्रांड न्यू, उसको आईसीएफ से बाहर निकाल दिया गया है। तो इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल बात करने वाला हूं कि ये जो रैक है ये कब बाहर निकला है, ये किस जोन के लिए अलॉट हुआ है, और ये रैक अब कहां जाने वाला है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा विथ प्रूफ। और दोस्तों आखिरकार अब दो अमृत भारत ट्रेन का जो रैक है वो अब आईसीएफ से बाहर हो चुका है, और इन दोनों का जो इनॉग्रेशन है वो एक साथ ही होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं, और इस वीडियो को अभी से ही लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों हमारी जो पहली अमृत भारत ट्रेन का रैक है उसने तो अपना ट्रायल रन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और ये रैक अभी अहमदाबाद के लोको यार्ड में खड़ा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पहला रैक है अमृत भारत ट्रेन का, ये दूसरा रैक आईसीएफ से निकलने का वेट कर रहा था, और अब इसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो पहली अमृत भारत ट्रेन है वो मुंबई से दिल्ली के बीच में चलने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों जो दूसरा रैक निकला है ये कहां चलने वाला है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो रैक है सेकंड रैक अमृत भारत ट्रेन का, ये कब आईसीएफ से रोल आउट हुआ है। तो दोस्तों ये जो रैक है जो आप अभी देख पा रहे होंगे, ये रैक 29 नवंबर को आईसीएफ कोच फैक्ट्री से पूरी तरह से बनने के बाद अब बाहर निकाला जा चुका है, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रैक है जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, और ये 29 नवंबर को अब बाहर निकल चुका है अपने बेसिक ट्रायल रन के लिए। वहीं दोस्तों आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या प्रूफ है कि ये दूसरा रैक है अमृत भारत ट्रेन का, तो इसके लिए मैं कुछ फोटोस आपको दिखाना चाहूंगा। तो अभी जो फोटो आपके सामने है ये हमारी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन का रैक है जो अपने ट्रायल रन वगैरह में स्पॉट हुआ था। और इसके अगर आप लोकोमोटिव को ध्यान से देखें तो ये लोको WAP5 सीरीज का है, और इसका जो लोको नंबर है पहली वंदे साधारण के रैक का वो है 35027 यानी कि 35027, और इसका जो दूसरा लोको है इसका नंबर है 35028 यानी कि 35027 और 35028 वाला जो लोको है वो हमारे देश की पहली अमृत भारत ट्रेन में लगा है। लेकिन अगर आप इस नए रैक को ध्यान से देखें तो इसमें आपको कुछ चेंजेस भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोको नंबर को ध्यान से देखें तो ये जो दूसरा रैक आईसीएफ से रोल आउट हुआ है इसमें लगा जो लोको है इसका जो नंबर है वो है 35030 यानी कि 35027 और 35028 के बाद 35029 और 35030 नंबर वाला ये चारों लोकोमोटिव्स है वंदे साधारण के लिए। और इसी लोको नंबर से ये आइडेंटिफाई होता है कि ये अमृत भारत ट्रेन का दूसरा रैक है, क्योंकि इसका जो लोको नंबर है वो हमारे देश की पहली अमृत भारत ट्रेन के रैक से अलग है। इसके अलावा दोस्तों ये जो दूसरा रैक है अमृत भारत ट्रेन के लिए इसमें आपको एक और चेंजेस देखने को मिलेगा लोकोमोटिव में ही। अगर आप इसके लोकोमोटिव को फिर से ध्यान से देखें तो इसका जो लोको है इस पर CLW की ब्रांडिंग भी की गई है जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, और ये CLW जो लिखा है वो हमारे देश की पहली अमृत भारत ट्रेन के रैक पर नहीं लिखा था, लेकिन ये जो दूसरा रैक है इसके इंजन पर CLW की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों कलर थीम वगैरह बिल्कुल सेम है हमारी देश की पहली अमृत भारत ट्रेन की तरह, लेकिन इसका जो लोको नंबर है और CLW की ब्रांडिंग है यही इसको दूसरी अमृत भारत ट्रेन का रैक बनाती है। वहीं दोस्तों हम बात कर ले कि आखिर जो रैक है दूसरा रैक ये कहां जाने वाला है, मतलब ये किस जोन को अलॉट हुआ है। तो अभी तक जो जानकारी सामने आ पाई है इसे हमें ये पता चला है कि ये जो दूसरा रैक है ये ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे को अलॉट हो चुका है, यानी कि ECR का मतलब ये ट्रेन पटना पहुंचने वाला है। अब ये पटना से मुंबई या फिर पटना से दिल्ली इन दोनों जगहों में से कहीं के लिए भी चलाया जा सकता है। और ये जो रैक है ये आईसीएफ से निकल के अपना बेसिक ट्रायल रन कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये जो रैक है वो 2 से 3 दिनों में पटना पहुंच जाएगा। और इसके कुछ वीडियोज भी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और ये जो वीडियोज है ये हमारी अमृत भारत ट्रेन का दूसरा रैक का ही है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आईसीएफ का एक पार्किंग बोल सकते हैं, यानी कि आईसीएफ का जो यार्ड है वहां पर एक गाड़ी खड़ी है आईसीएफ से बाहर निकलने के बाद, और ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है 28 नवंबर को। यानी कि दोस्तों हमारी देश की जो दूसरी अमृत भारत ट्रेन है वो अब बिल्कुल तैयार है रफ्तार भरने के लिए, और एक साथ ही आपको दो अमृत भारत ट्रेनों का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बारे में पिछले कई वीडियो से मैं आपसे बात कर रहा था कि आईसीएफ से दूसरी अमृत भारत ट्रेन का जो रैक है वो बहुत जल्दी ही बाहर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनको पूरे देश में इंडियन रेलवे बड़े
पैमाने पर चलाना चाहती है और इसको लेकर अच्छे तरह से प्लानिंग करते हुए इंडियन रेलवे आगे बढ़ रही है। इसलिए दोस्तों ये जो अमृत भारत ट्रेनें हैं, इसका जो प्रोडक्शन है इसकी रफ्तार काफी ज्यादा तेज अब होने वाली है, क्योंकि ये ट्रेनें पूरी तरह से आम आदमी के लिए बनी है और इसका जो किराया है वो भी फुली एसी वंदे भारत ट्रेन से काफी कम होने वाला है। इसीलिए ये ट्रेनें सक्सेसफुल साबित होने वाली है बड़े लेवल पर, और हमारी अमृत भारत ट्रेन का जो डिमांड है वो सभी जोन से ही रेलवे बोर्ड तक पहुंच रही है। इसीलिए दोस्तों इसका जो प्रोडक्शन है ये सबसे मेन रोल निभाने वाला है। और अब दोस्तों फाइनली लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार आईसीएफ से निकल चुकी है दूसरी अमृत भारत ट्रेन का रैक, और अभी तक जो रिपोर्ट मिला है ये जो दूसरा रैक है इसका बड़ा तोहफा मिला है बिहार को, क्योंकि बिहार से बड़ी संख्या में जो श्रमिक भाई हैं वो बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं लाइक दिल्ली मुंबई। इसीलिए दोस्तों बिहार को इतनी जल्दी अमृत भारत ट्रेन मिल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों बाकी राज्यों को भी आने वाले कुछ महीनों में अमृत भारत ट्रेनें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रेनें हर लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर अब उतरने वाली है। फिलहाल दोस्तों इस दूसरे रैक के बारे में आगे कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।